सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लाइक मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, लाइक आप एक्चुअरीज के संग क्या क्या कर सकते हो। एक्चुअरीज स्टैंड अलोन तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन आप एक्चुअरीज के संग और क्या क्या कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। एंड इट्स अ वेरी स्टैट्यूटरी वार्निंग कि प्लीज डोंट अप्लाई यूनिटरी मेथड, बिकॉज लाइक लोगों का मेंटालिटी ये होता है कि एक्चुअरीज का 20 लाख, CA का 20 लाख, तो मैं जब जॉब में जाऊंगा एक्चुअरी प्लस CA करके तो मेरे को 40 लाख का पैकेज मिलेगा। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग जनरली सबका मोर ऑर लेस सेम होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रीच करते हो। लाइक इफ यू डू मल्टीपल कोर्सेज तो इट डेफिनेटली एड्स ऑन, आपको एक अच्छा जॉब में लैंड अप करने में हेल्प करता है, एंड इट डेफिनेटली इंक्रीजेज नॉलेज लेवल, एंड आपका पे में हाइक अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डबल हो जाता है वो चीज। सो प्लीज डू नॉट अप्लाई यूनिटरी मेथड। सो बहुत लोग एक्चुअरी और सीए संग में करते हैं। लाइक आई एम टेलिंग यू कि वाई एक्चुअरी प्लस सीए। लाइक अगर आपको अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो आप एक्चुअरी प्लस सीए भी कर सकते हो। लाइक डाइवर्सिफिकेशन, एक्चुअरीज विल टीच यू अबाउट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एंड सीए इज ऑल अबाउट ऑडिट, लॉ। इट विल टीच यू अबाउट द करंट टैक्सेशन, तो ये सारे सीए, अकाउंटेंसी, तो ये सारे सीए के सब्जेक्ट्स। यू डाइवर्सिफाई योर नॉलेज लेवल अलॉट इफ यू डू एक्चुअरी एंड सीए। लाइक गुड करियर इन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। लाइक जैसे माई बेस्ट फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन जेपी मॉर्गन, सो उसका मेन रीजन क्या था कि उसने सीए किया, एंड उसके संग संग उसके एक्चुअरीज के भी कुछ पेपर क्लियर थे। सो यू कैन मेक अ वेरी 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 सॉलिड करियर। जैसे सीए का क्या होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, बट उनका हल्का फुल्का मैथ्स रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड नॉलेज हल्का जनरल में कम होता है। तो अगर आप एक्चुअरीज भी करते हो तो यू कैन मेक अ वेरी सॉलिड करियर इन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ओके, सो पासिंग रेट ऑफ सीए एग्जामिनेशन इज अ वेरी वेरी वेरी, लाइक जनरली लोग बोलते हैं ना कि यार सीए में क्लियर नहीं हो रहा है, आई डोंट फील सो। ऐसा कुछ है, सीए एग्जाम्स का भी पासिंग रेट डिसेंट ही है, थोड़ा कम है, ऑब्वियस बात है, एक्चुअली से तो बहुत ज़्यादा ही कम है। बट हाँ, जैसे मान लो आपका सब कुछ हो गया, बस आपका फाइनल समहाउ नहीं क्लियर हो रहा है, तो यू बिकम स्टक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको लग रहा है आपका फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है, यू गेट बोर्डम, यू गेट डीमोटिवेटेड, तो उस समय आपको सपोर्ट देने वाला कोई कोर्स होगा लाइक एक्चुअरीज, क्योंकि उसमें आपके तब तक 7-8 पेपर्स हो चुके होंगे, तो एटलीस्ट विल गेट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी। ऐसा नहीं रहेगा कि आप सीए के बिना आपको कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। सो पासिंग रेट ऑफ सीए एग्जामिनेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि लोग इसको बैकअप की तरह भी करते हैं कि नहीं, मेरे को मैथ्स एंड स्टैट्स में इंटरेस्ट था तो मैं दोनों कोर्स को साइमल्टेनियसली करूंगा। तो बहुत लोग किए, मैंने भी किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जस्ट यू नीड टू स्टे मोर मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड अगर आपको सी और एक्चुअली दोनों करना है तो। ओके, एक्चुअली प्लस एमबीए। लाइक जो लोग भी एमबीए के लिए जाते हैं, लाइक एमबीए है क्या, एमबीए इज ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड टेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर इंग्लिश एंड इट्स एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आई टॉक अबाउट योर मैथमेटिकल, योर लॉजिकल एंड योर डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। तो जनरली लोग जब एक्चुअरीज करते हैं ना, तो उनका एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एमबीए का जो प्रिपरेशन है, वो जनरली लोग अपने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो लोग अपने 5th सेमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, तो पहले के जो 2 साल है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो यू कैन डू इन दैट टाइम एक्चुअलीज एंड यू कैन क्लियर अराउंड 4 to 7 papers, ताकि आपके सीवी में एडअप होता है वो चीज़। एंड क्या होता है ना, सबका मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होता है, जो कि आपको कैट प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एंड जब आप एमबीए करने जाते हो, तो वहां पर भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सब एक्चुअरीज में भी है, तो आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा सिनर्जी मिलता है इफ यू डू एक्चुअरी एंड एमबीए। एंड वंस यू गेट इनटू गुड बी स्कूल, उसके बाद में वहां पर भी जाके आप पेपर्स दे सकते हो। तो बाय द टाइम यू बिकम एन एमबीए, अगर आपके 10-12 पेपर क्लियर हो जाते हैं, तो इट्स वेरी 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 गुड करियर ऑप्शन। सो मैंने यहाँ पर लिखा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बिकॉज आप पहला 2 साल जनरली लोग वेस्ट कर देते हैं, अगर आप उसमें एक्चुअली जैसा कोई प्रोडक्टिव कोर्स करते हो, देन इट्स वेरी 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 गुड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन रियल लाइफ कोर्स। इट गिव्स अ बूस्ट टू योर सीवी, बिकॉज आपके बगल में एक ऐसा आदमी होगा जिसने खाली कैट दिया, एंड आपके पास कैट के संग में लाइक अराउंड यू हैव 7 to 8 papers, सो इट रियली गिव्स अ बूस्ट टू योर सीवी। एंड यू गेट टू नो अबाउट योर फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें भी आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप। लाइक कैट भी साल में एक ही बार होता है। अब ऐसा मान लो कि आपका कैट जनरली क्रैक नहीं हो रहा है, लाइक आपने बहुत कोशिश किया बट आपको जिस कॉलेज जाना है वहाँ आपका नहीं हो रहा है, तो फिर क्या। सो अगेन स्ट्रॉन्ग बैकअप वाला बात आता है। एनहांस नॉलेज इन फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, सो ये सब है। सो एक्चुअली प्लस सी एफ ए, ये बहुत लोग करते हैं।
क्योंकि जनरली क्या है, सी एफ ए इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. लाइक सी एफ ए आप लोग देख रहे होंगे लोग कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर रहे हैं, बट जनरली इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू सी एफ ए, बिकॉज सी एफ ए आप अपने थर्ड ईयर में जाके आप लेवल वन दे सकते हो. तो पहला दो साल जनरली लोग एक्चुअली से स्टार्ट करते हैं, तब तक उनका एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है इन फाइनेंस, इन योर मैथमेटिक्स, इन योर स्टैटिस्टिक्स, इन योर स्टॉक मार्केट्स वाला एरिया, उनका एक बहुत अच्छा बेस बनता है. एंड देन दे प्रोसीड विद सी एफ ए इन देयर थर्ड ईयर, एंड देन दे कंटिन्यू बोथ एक्चुअली एज वेल एज सी एफ ए. सो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, लाइक लॉट ऑफ ओवरलैपिंग पोर्शन, सिनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके सी वी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, फाइनेंस का नॉलेज बहुत बढ़ता होता है. बट वन कैन स्टार्ट द सी एफ ए प्रोग्राम इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, उसके पहले सी एफ ए आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो. सो अगेन पहला दो साल क्या करें, सो एक्चुअली इसको आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं. अगेन एक्चुअली प्लस एफ आर एम, बिकॉज एफ आर एम इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एंड एफ आर एम इज मेजरली ऑन, एफ आर एम को मैं ऐसे अटैक करूंगा शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्स, लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग एफ आर एम, तो इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्स, हमारा बैंकिंग के बारे में सब कुछ सीखते हो. एफ आर एम में देर इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जो कि हम लोग सी एम टू में करते हैं एक्चुअलीज में. सो बेस्ट एड ऑन, बिकॉज बोथ द कोर्सेज रिवॉल्व अराउंड रिस्क मैनेजमेंट. एज पर रिसेंट आर बी आई सर्कुलर, देर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ रिस्क ऑफिसर. लाइक आर बी आई का भी रिसेंट में एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि यार हम लोग को रिस्क ऑफिसर बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज बैंक्स में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, रिस्क को ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा, प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा है. तो अगर मान लो बैंक ही कोलैप्स हो जाएगा, लाइक बैंक्स में अगर खतरा रहेगा लोगों को पैसा रखने से, तो फिर कैसे चलेगा. सो देर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ रिस्क ऑफिसर. सो एफ आर एम इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, एंड अगेन अ डेडिकेटेड डोमेन फॉर फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. सो अगेन आई एम अगेन रिवॉल्विंग अराउंड रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज सी एफ ए एंड एफ आर एम आर ऑल फाइनेंस कोर्सेस. सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन आई गिव फॉर वन पेपर, देर इज नो एज सच लिमिट कि आप एक पेपर को एक ही बार दे सकते हो, एक पेपर को आप चार बार दे सकते, ऐसा कोई लिमिट नहीं है. बट जनरली इट इज सीन कि लोगों का एक बार में अगर नहीं भी होता है तो सेकेंड अटेम्प्ट में जनरली लोगों का हो जाता है. बट इफ यू सी आर स्टैट्स, सो अराउंड 85-90% ऑफ द पीपल दोज हू अपीयर, उनका एक बार में क्लियर होता है वन शॉट में. लाइक जनरली जो लोग आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं हमसे, तो थोड़ा बहुत वो लोग को बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में चलता है एंड कोई फ्रिक्शंस वगैरह नहीं आते. सो जनरली इफ यू सी द पासिंग रेट ऑफ आई एफ ओ एज आई डिस्कस, इट्स अराउंड 40-50%. इट कैन गो डाउन टू 30% ऑल्सो इन सम ऑफ द एग्जामिनेशंस. सो ऐसा ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट जनरली वी सी कि जो लोग को भी हम लोग जानते हैं, लाइक 85-90% लोगों का एक बार में क्लियर हो जाता है. सो हाउ मेनी पेपर्स कैन आई गिव इन वन अटेम्प्ट, अगेन लाइक नॉट एडवाइजेबल एक बार में दो से ज़्यादा, बिकॉज आप प्रेशर उतना मैनेज कर पाओ नहीं कर पाओ. लाइक दो एंड मैक्स टू मैक्स अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो पढ़ने में तो तीन, उसमें भी आई लाइक वी गिव कॉम्बिनेशन कि किसके संग आप क्या दे सकते हो. सो उस पर मैं एक और वीडियो दे दूंगा, बट लाइक वन या फिर टू, लाइक टू गिव, लाइक आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है ना, तो लाइक एक बार में दो पेपर से ज़्यादा इज नॉट एडवाइजेबल. सो आप एक बार में दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे उतना प्रेशर हैंडल नहीं होगा, देन वन पेपर. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन ऑल अबाउट एक्चुअल साइंस, एंड यू ऑल कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन 8100-598-543. दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई रिपीट 8100-598-543. इफ यू हैव फर्दर क्वेरीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.